के खिलाफ थी वो रातों रात 2 बजे रात को कैसे तब्दील हो गई उनके, उनको कैसे प्रेम आ गया छोटू के ऊपर, क्या पता कि 2 बजे रात में बुलाई होगी। अच्छा क्या गारंटी है, लोग कह रहे हैं कि आप 18-19 साल से जिस माँ बाप ने आपको पाल पोस कर बड़ा कर दिया उसकी ना हुई प्रेम के चक्कर में और इसके बाद आपने अपने माँ बाप को भी छोड़ दिया, तो क्या गारंटी है कि आप इनके साथ टिक जाइएगा? क्या गारंटी है, देखिए कानून कानून है, माँ बाप को भी सोचना चाहिए, अगर जी बेटी इसको पकड़ लिए मतलब आ गए हैं वो, तो इसको कानून के हवाले करना चाहिए। ये बात बहुत गलत हुई कि छोटू को मारा गया, मैं इसके खिलाफ हूँ। कानून में के अंदर प्रावधान था उसको जो है बंधक बना के रखते, मारते पीटते, लेकिन जान से नहीं मारना चाहिए था। लेकिन आपके ही घर के लोग कह रहे हैं कि रात में रोज आता था, लोग चोर इसको बोलते थे। नहीं एक गलत बात है, रोज नहीं आता। अच्छा क्या गारंटी है कि आप इनका साथ जीवन और जन्म जन्मांतर तक दीजिएगा? क्या गारंटी है? आरती जी एक सवाल, एक, मेरा, एक, 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 सवाल एक, मेरा एक, 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 एक इसको दीजिए, इसका जवाब दीजिए। क्या गारंटी का आप इनके साथ जन्म जन्मांतर तक टिके रहिएगा? हम देंगे गारंटी, हम अभी बोलते हैं हम देंगे। अच्छा जिसने आपको कोख से पाल पोस कर बड़ा किया, 19 साल का बना दिया और इसके बाद आपने प्रेम के चक्कर में उनको छोड़ दिया, इसके बाद आप यहाँ चली आई हैं, क्या गारंटी है कि आपको किसी और लड़का से प्रेम हो गया तो आप इनको भी मतलब ऐसे हो नहीं सकता है, ऐसा कभी भी कभी नहीं हो सकता है। तो क्या ये आपको बेटी की तरह पाल रहे हैं या बहू की तरह? जिस तरह ही पाले अभी कैसे पाल रहे हैं, अभी हमको बेटा की तरह पाल रहे हैं, बेटा की तरह। अच्छा जो लगता है कि जो ब्लॉगर आ रहा है आपके साथ ऐसे फोटो ले रहा है वीडियो ले रहा है वो आपको न्याय दिला पाएगा? क्या पता हमको ये तो नहीं न्याय दिला पाएगा, इस मतलब जागरूक करेगा, प्रशासन को जागरूक कर सकता है। 20 दिन हो गया है अभी तक आपको न्याय नहीं मिला? अभी तक नहीं, लेकिन 2 गिरफ्तारी पहले हुआ था, 1 गिरफ्तारी कर चुका है उसको। आरती आरती जी एक सवाल है, आपके जीजा कब आए थे आपके घर पर? देखिए उसको कॉल करके मंगाया गया था। कब कब मंगाया गया था ये हमको? रात में या सुबह में? देखिए हम नहीं देखे थे, हम रूम में थे। रात में नहीं आए थे वो? रात में क्या, सुबह में तो उसको कॉल ही गया था। अब कब आया नहीं आया? रात के 2 बजे तक तो वो नहीं आएंगे। रात के 2 बजे क्या तुरंत, ऐसा तुरंत तुरंत कॉल करने मत, तुरंत आपके घर आप अपने घर में हैं तो रात में घर पर आए थे या नहीं आए थे? नहीं उसको जैसे पकड़े उसको कॉल किया गया था। हाँ जैसे मतलब कि उसको पकड़े उसी समय कॉल गया था ना? आरती जब इतना ही गहरा प्रेम था और आपके पिताजी का और इनके पिताजी का छोटू के इतना बढ़िया प्रसंग था मतलब बैठता था, तो ये बात अपने घर में इज्जत के साथ रह कर जो है पूछ बता देती कि हमारा हम शादी करना चाहते हैं नहीं तो ये होगा, 2 बजे रात को आना और इतना मंदबुद्धि है छोटू की वो आ जाएंगे? क्या पता हम इतना मंदबुद्धि, और क्या संयोग बन गया कि उसी दिन वो मामा के घर आए और 2 बजे वहां आ गए, क्या संयोग था? क्या पता हमको ये सवाल है, ये भावनाओं में आके मीडिया नहीं पूछता, लेकिन ये आप प्रशासन के सामने बैठेंगे तो पूछेंगे कि क्या उस दिन क्या संयोग बन गया, क्या भगवान की भ्रिकुटी हो गई कि वो अपने मामा के यहाँ गए और 2 बजे ही शादी की बात चलने लग गई। अब 2 बजे क्या उसको शाम से ही बोला होगा? अच्छा पढ़े लिखे थे छोटू? छोटू तो पढ़े, सोचने की क्षमता थी ना, सोचने की क्षमता इतनी थी कि हो सकता है कि जाएं तो हमका मर्डर हो जाए, हम अपने पिताजी को भेजें तो बहुत बेहतर होगा। क्या पता। अच्छा छोटू के मर्डर मरने का असली जिम्मेदार कौन है? असली जिम्मेदार कौन है अभी तो हमको पता है, उसको घर में बंद किए थे पापा भैया, घर में बंद किए थे पापा भैया, घर में बंद किए थे। आप आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं आपका भी दोष है इसमें? कैसे मेरा कैसे दोष है? मेरा दोष एक है कि हम प्रशासन को कॉल नहीं कर पाए, प्रशासन को कॉल इसलिए नहीं कर, मेरा दिमाग काम नहीं किया तभी क्या हम क्या पता है कि उसको जान से ही खतरा कर देंगे, कौन सोच सकते हैं किसी को घर में बंद करेंगे तो जान से चला उसको मार देंगे। बहुत सारे सवाल हैं, एक सवाल मेरे हैं, एक सवाल और है, क्या आप राजी हैं कि आपके जो सवालों का जवाब? हम आप लोग से विनती करते हैं, मेरा पूरा तरह से ठीक है। थोड़ा सा आपके भाभी का बयान है, भाभी के माँ का बयान है कि आपके भाभी का भाई जो है, मेरी बात पहले सुनिए, हम आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, मेरी अभी पूरी तरह से तबीयत ठीक नहीं है। एक चीज का 2 घंटा से भाभी का भाई आपके घर के बजाय हम नहीं दे रहे, आप अंदर जाइए और इतना कह देना चाहता हूँ आपके यहाँ ब्लॉगर और पत्रकार आपको न्याय नहीं दिला।